दनोचे कुनबी समाज विकास महासंघ का नागपुर की ओर से समाज के युवक व युवती का परिचय मिला क्या क्या। इस मौके पर सैकड़ों समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद थे। दनोचे कुनबी समाज विकास महासंघ का नागपुर की ओर से पिछले 10 वर्षों से सांस्कृतिक शिक्षा पद क्रीडा तथा स्वास्थ्य के बारे में कई प्रोग्राम लिए गए हैं। इसी श्रृंखला में अब की बार दनोचे कुनबी समाज विकास महासंघ नागपुर की ओर से दनोचे कुनबी समाज के युवक एवं युवती का परिचय मेला क्या क्या। इस मौके पर नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कई समाज के लोग मौजूद थे। इस युवक युवती परिचय मेला के बारे में दनोचे कुनबी समाज विकास महासंघ नागपुर के पदाधिकारियों ने एनबीसीएन समक्ष जानकारी दी। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इनविशन की टीम है ऐसे एक सभागृह में जहाँ पे धनोज कुनबी समाज की ओर से यहाँ पे एक युवक युवती का ये परिचय मेला यहाँ पे आयोजित किया गया है। इस समय में ये तमाम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये स्नेह बंद यानी धनोज कुनबी समाज विकास महासंघ के ये वो पदाधिकारी है, ये वही युवक और युवतियाँ हैं जो शादी करने के लिए इनके लिए एक परिचय होता है और ये बहुत बड़ा एक अच्छा उपक्रम धनोज कुनबी समाज की ओर से यहाँ पे आयोजित किया गया। इस समय में हमारे साथ में धनोज कुनबी समाज के ढोके साहब जो कि अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहेंगे। सब यह पता है कि जिस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको उनके लड़की लड़कियों के पते नहीं रहते और कुछ उनको मालूम नहीं रहती, इसलिए ये कलेक्शन इसलिए हम करते हैं कि समाज में उसका वो फायदा हो और उससे लाभ मिले, ताकि वो अपने शादी के इसके तरफ बढ़ सके। समाज के लिए ये बहुत ही उपयोगिता ये वधूवर परिचय मेला है, क्योंकि लड़के और लड़कियां एक दूसरे को पहचानने के लिए यही एक व्यासपीठ यहाँ पे बना हुआ है। इसमें जो भी लड़कियां बाहर रहती है या लड़के बाहर पढ़ते हैं, उनका एक यही व्यासपीठ पे मुलाकात करके उनका वधूवर परिचय के हिसाब से आप ये करते हैं। आप क्या कहना चाहोगे संगठन के? धनोज कुनबी विकास महासंघ अभी 10 साल से अच्छे से कार्यक्रम युवक युवती का कर रहे हैं और इससे एक प्रेरणा मिलती है समाज को कि युवक युवती यहाँ आती है। हम पुस्तिका स्मरणिका छपा रहे हैं, उसमें अभी विमोचन होगा। विमोचन करने के बाद अपने महाराष्ट्र के जितने भी अपने समाज के लोग हमारे धनोज कुनबी समाज के, वो वहाँ देखते हैं कि युवक और युवतियाँ कितने ना कैसे पढ़े हैं, कितना वो उस हिसाब से वो करते हैं। तो 100 के आसपास जो संख्या है यहाँ पे परिचय के लिए यहाँ पे आई हुई है, आप देख सकते हैं कुछ। मैडम आप बताएं कि आप इस प्रोग्राम को सूत्र संचालन कर रही हो, कैसा महसूस कर रही हो? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ और लास्ट ईयर भी मैंने ये सूत्र संचालन इसी प्रोग्राम का किया था। मुझे खुशी होती है कि हमारे समाज के लोग इस बहाने से हम इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे का हमारा परिचय होता है। युवक युवतियाँ कम से कम 21वीं शताब्दी की ये युवक युवतियाँ हैं, तो सामने आकर एक दूसरे को देख सकते हैं, यानी वो परंपरागत जो एक तरीका होता था लड़की लड़कियों को देखने का, उससे हटके ये तरीका है। यहाँ यदि लड़की लड़के पसंद कर लेते हैं तो आगे की बात बढ़ती है। तो एक मंच है ये कि जो समाज के लिए उपलब्ध है और गए कई सालों से ये उपक्रम ये समाज के द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। आणि गेली 10 वर्षापासून हा उपक्रम हा समाज हे मंडळ चालवत आहे आणि याच्या माध्यमातून बरेचसे संबंध जुळले गेले। म्हणजे हा नुसता एक प्लॅटफॉर्म आहे, पण यांनी जी स्मरणिका प्रकाशित केली त्याच्या माध्यमातून कितीतरी संबंध जुळले गेले जे काउंटिंग होऊ शकत नाही, कारण ते कुठेतरी कन्सल्टेट होत नाही आहे, पण इथं आलेल्या लोकांचं ते कन्सल्टेट होत आहे। धनोज कुनबी समाज की ओर से जिस प्रकार से युवक युवती का ये जो परिचय मेलावा यहाँ पे आयोजित किया गया, अपने आप में एक है। जैसे कि आयोजकों ने इस बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि यहाँ पे आने वाले अधिकतर लोग विदर्भ, महाराष्ट्र, MP और भारतवर्ष के कई प्रांतों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। खासतौर पर वो युवक और युवतियाँ आ रही है जिन्हें अपनी शादी करना होता है और परिचय के माध्यम से ये बहुत अच्छी पहल है। और जिस प्रकार जब तक परिचय नहीं होगा, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, और ये जो बड़ा काम होता है ये वो समाज के लोगों ने कर दिखाया। इसलिए इस तरह के उपक्रम दिन ब दिन चलते रहे। इसके बाद में ब्लड डोनेशन का भी प्रोग्राम है इन्होंने रखा है। ऐसे पिछले 10 वर्षों से लगातार तरीके से धनोज कुनबी समाज अपने आप में एक अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है और जब भी कहीं यहाँ पे शादी का ऐसा आयोजन होगा तो उन लोगों को भी ये काफी जो चीजें हैं अपनी मंडल की ओर से देने के इन्होंने वादा भी किया है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, NBCN News नागपुर।
Thank you.